हरियाणा पुलिस ने देश के कई राज्यों में ऑपरेट कर रहे आतंकी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों के मंसूबे को लेकर मिले इनपुट्स के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इस नेटवर्क का सीधे तौर पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। हरियाणा के करनाल से गिरफ्त में आए 4 आतंकवादियों से जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि हरियाणा से लेकर तेलंगाना राज्य के शहर इनके रडार पर थे। गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्ध आतंकियों सस्पेक्टेड टेररिस्ट अरेस्टेड फ्रॉम करनाल से भारी यात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्य आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी के इशारे पर ही वो विस्फोटकों को पहले से तय जगह पर पहुंचाता था। इस बार इन्हें विस्फोटक तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाना था, लेकिन इससे पहले ही आतंकी साजिश का खुलासा हो गया और इन्हें सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स के बाद हरियाणा पुलिस ने करनाल के बस्ताड़ा टोल के पास धर दबोचा। 4 आरोपियों से देसी पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस, 3 लोहे के कंटेनर मिले हैं जिनमें विस्फोटक रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक IED भी बरामद हुआ है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा इनके पास से 1,30,000 कैश भी मिला है। ये 4 आरोपी दिल्ली नंबर 1 की कार में थे, जिन्हें एजेंसी इनपुट के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से सिर्फ विस्फोटक और हथियार ही नहीं बल्कि नशे की खेप भी आती थी और इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता था। ड्रोन से नशीले पदार्थ और विस्फोटक पंजाब में तय जगह पर पहुंचाए जाते थे और फिर पाकिस्तान से एक ऐप के जरिए गुरप्रीत को वो लोकेशन भेजी जाती थी जहां इनकी सप्लाई होनी है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।